सबको आवाज आ रहा है ना? यस सर। सर चलिए। यस सर। चलिए तो हम लोग का ये आपका सेकंड क्लास है, ठीक है ना? तो पहले क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स को देखा था, ठीक है? रैशनल नंबर हम लोग समझ चुके थे कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है? अब हम लोग क्या कर रहे थे, रैशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना? रैशनल नंबर का हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ चुके थे, एडिशन ऑफ, एडिशन का प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोग देख चुके थे, ठीक है? तो उस पर आप लोग क्वेश्चन बनाए थे, किसी को किसी तरीके का डाउट था समझने में, क्वेश्चन बनाने में डाउट आया हो तो जल्दी से बोलेंगे। यस सर। हाँ बताइए, क्या डाउट था सर? एडिटिव इनवर्स में क्या रूल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एडिटिव इनवर्स का रूल समझ में नहीं आ रहा था? यस सर। अच्छा ठीक है, और कोई डाउट? चलिए ठीक। अच्छा इस पे जो क्वेश्चन हम लोग किए, जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे उस पे क्वेश्चन ट्राई किए थे आप लोग? यस सर। क्वेश्चन बनाने में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं ना आया? चलिए तो आगे देखते सिर्फ एडिटिव इनवर्स वाला, ठीक है वो हम बता देते हैं। चलो देखो, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ ना कि देखो, अगर किसी भी नंबर का, जैसे कि मान लो 5 अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो 5 में ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए कि वो 0 हो जाए, तो 5 में आप क्या ऐड कर देंगे, 5 में आप -5 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर एग्जाम्पल से समझाते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो इसमें क्या था कि मान लो हम लोग के पास एक नंबर है 3/5, ठीक है ना। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो कि ये नंबर आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। तो जरा सा ध्यान से देखना, हम लोग क्या सीखे थे कि अगर हम लोग के पास a by b कोई रैशनल नंबर है, ठीक है ना, हम लोग के पास a by b कोई रैशनल नंबर है, ठीक है ना, और c by d दूसरा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि c by d इसका एडिटिव इनवर्स होगा, कब होगा c by d इसका एडिटिव इनवर्स, जब क्या करें हम लोग इसमें इसको ऐड करें तो जो रिजल्ट आए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए आपके पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब आप इसको इसका एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग के पास 3/5 दिया हो, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल समझना, अगर +5 है तो उसमें आप -5 को प्लस करेंगे तभी ये इसका क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या, अगर हम लोग के पास a by b अगर कोई रैशनल नंबर दिया हो तो उसका एडिटिव इनवर्स अगर हम लोग बोलना चाहें तो a by b का एडिटिव इनवर्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, -a/b बोल सकते हैं। मतलब क्या कि अगर a by b में -a/b को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब बताओ इसका क्या होगा, अगर 3/5 दिया तो इसका एडिटिव इनवर्स -3/5 होगा, ठीक है ना। आगे चेक करो इसको, तो 3/5 और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3/5, एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 5, और देखो 3 - 3 करने से आएगा 0/5 जो कि 0 के बराबर होता है। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स का कंडीशन था। जल्दी से देखो, अभी भी डाउट है तो पूछिएगा फिर से। हाँ नो सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो जरा सा अगर क्लियर है तो एक तो बात, एक क्वेश्चन बता देना कि -13/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। 13/7 बिल्कुल सही, इसका एडिटिव इनवर्स होगा
13 बाय 7 यही इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ये है ना। अच्छा एक बात बताओ, जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जीरो। जीरो ही होगा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। अच्छा एडिशन के बाद आज हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का देखेंगे प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए मान लीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग के पास अगर a by b रैशनल नंबर है, ठीक है ना, इफ a by b इज अ रैशनल नंबर, एंड c by d इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, देन अगर ऐसा हो देन आपके पास क्या हो जाता है, a by b माइनस सी बाई डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं हम लोग के पास जो भी है p बाई क्यू, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देखो बात को समझो, अगर हम लोग के पास दो एक रैशनल नंबर दिया है, ठीक है ना, और हम लोग के पास कोई दूसरा रैशनल नंबर दिया है, एक रैशनल नंबर a बाई बी दिया है और दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी दिया है, तो अगर हम लोग क्या करें, एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, देन का यही बात हो गया कि अगर हम लोग एक रैशनल नंबर में किसी दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो तीसरा रैशनल नंबर आएगा वो भी क्या होगा, जो तीसरा नंबर आएगा, ठीक है ना, पहले नहीं, पहले क्या बोलेंगे कि तीसरा जो नंबर आएगा वो भी आपका एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना, ये हम लोग को यहाँ पे सिखाया गया। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, हियर c by d इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a by b, है ना। चलिए यहाँ पे क्या किया गया है, c by d को सब्ट्रैक्ट किया गया है a by b में, है ना। तो एक चीज और देखो, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर तुमको क्या किया गया, c by d को सब्ट्रैक्ट किया गया a by b में, तो इससे एक चीज और पता चलता है क्या, कि आपके पास a by b जो था वो बड़ा था किससे, c by d से, ये भी एक चीज आपको यहाँ से पता चलता है। चलो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि आपके पास एक रैशनल नंबर दिया है a by b, a by b ये है आपके पास क्या 3 by 4, ठीक है ना, और दूसरा रैशनल नंबर दिया हुआ है क्या c by d, ठीक है, तो ये आपके पास है कितना 2 by 4, या फिर बोल देते हैं आपके पास, हाँ चलिए 2 by 4 पे लिखते हैं, ठीक, ये आपके पास रैशनल नंबर दिया हुआ है, दो रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, c by d को a by b में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा a by b minus c by d, which means what, कि आपके पास 3 by 4 में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 by 4 को, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4-4 का एलसीएम आपके पास 4 ही आ जाएगा, और 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1/4, ठीक है, और 1/4 कैसा नंबर होगा, तो 1/4 आपके पास एक रैशनल नंबर होगा, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और कहीं दिक्कत हुआ होगा तो बताएंगे। सर एग्जांपल को ऊपर में क्या लिखा है, ये यस सर, यहाँ पे ये हेयर h e r e,
चलिए हो गया सबका? यस सर। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा जल्दी से एक क्वेश्चन बता बना के दिखा देना। क्वेश्चन है आपके पास सब्ट्रैक्ट पी बाई फोर फ्रॉम फाइव बाई सिक्स। चलिए बनाइए इसको। सबसे हो गया ना? सही है। बोल दिए। यस सर। चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी से नहीं बना था? ऐसा कोई है जिससे नहीं बना था? चलिए तो अब देखो इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो हेडिंग देना प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना? अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी जैसे एडिशन में था वैसे इसमें भी पहला प्रॉपर्टी क्या था हम लोग का? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है, इफ वी हैव two rational numbers, ठीक है ना? और देखो ये जो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी है ये आपका रैशनल नंबर का भी आप बोल सकते हैं डेफिनेशन था कि अगर वी हैव लोग के पास दो रैशनल नंबर है, वी हैव टू रैशनल नंबर, कौन सा? a by b and C by D। हम लोग के पास अगर दो रैशनल नंबर है A by B and C by D, then A by B minus C by D is also a rational number। और यही हम लोग का रैशनल, इसमें सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन का आपका एक डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? इससे हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है हम लोग के पास क्या? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में हम लोग एडिशन में क्या पढ़े थे? अगर हम लोग a by b करते हैं, देखो एडिशन में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर हम लोग a by b में c by d ऐड करते हैं तो ये देखो बराबर होता था किसके? c by d plus a by b के, ठीक है ना? सेम कंडीशन इसमें आपका लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ध्यान से देखना। अगर देखो इसके अकॉर्डिंग जाते हैं
अगर हम लोग 5 प्लस 2 करें तो ये भी आपके पास 2 प्लस 5 के बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 5 माइनस 2 करते हैं और इधर पे क्या करते हैं 2 माइनस 5 करते हैं, तो ध्यान से देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा माइनस 3 बचेगा। ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका आप बोल सकते हैं क्या कि कभी भी कॉम्यूटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो इसका एग्जांपल भी देखते हैं पहले। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है देखो, लिख लेना द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, द सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर is not always commutative. अच्छा देखो यहाँ पे लिखा गया क्या, not always commutative, ठीक है ना। not always commutative का मतलब है कि जरूरी नहीं हो कि हमेशा commutative होगा, कहीं कहीं पे हो भी सकता है, ठीक है ना। जैसे देखो 0 एक rational number होता है, ठीक है ना। तो आप अगर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 माइनस 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये कम्यूटेट कर जा रहा है। उसी तरीके से और भी समझते हैं, मान लो अगर हम लोग लिखते हैं क्या 2 माइनस 2, तो ये भी देखो 2 माइनस 2 के बराबर होगा, तो यहाँ पे भी तो कम्यूटेट कर गया, ठीक है ना। तो इसलिए बोला गया कि नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। और आप ये तो रैशनल नंबर ही है ना, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और ये कंडीशन भी आप अगर ऐसे लिखते हैं तो कुछ गलती नहीं लिखते। इसीलिए बोला गया कि नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, हो सकता है कहीं कहीं पे कॉम्यूटेटिव हो जाए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये सब कुछ इसका आप बोल सकते हैं कि छोटा सा पॉइंट है, लेकिन हाँ समझना जरूरी है। तो नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव बोला गया। चलिए दैट इज, अब देखो बोला गया कि अगर नॉट कॉम्यूटेटिव है तो कुछ तो बड़ा बात होगा ना। तो बात क्या है देखिएगा, That is if we subtract करते हैं, देखिए कैसे, अगर हम लोग लिखते हैं क्या a माइनस बी है ना, माइनस करते हैं c माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल दिखाना है कि नॉट इक्वल होगा किसके, c माइनस डी माइनस a बाई बी के, ठीक है ना। ये आपको ऐसे दिखाना होगा, ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे जल्दी से। सर ए बी माइनस सी डी का क्या है, एक बार और समझाइए ना, थोड़ा सा कस के बोलिएगा माइक के पास जाके, आवाज नहीं आ रहा आपका। ए बी माइनस सी डी जो आप लिखे हैं नॉट इक्वल, वो उसका क्या, एक और बार समझाइए ना। हाँ देखिए समझाते, देखो यहाँ पे बोला गया, समझो यहाँ ये क्या बोलना चाह रहा है ना, ये पूरा पार्ट क्या बोलना चाह रहा है थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल मतलब, नॉट इक्वल का मतलब है कि जैसे देखो हम लोग अगर लिखते हैं क्या, देखो ए बाई बी को अगर हम लोग 5 बोल दे कोई दिक्कत नहीं है ना, नो सर। सी बाई डी को अगर हम लोग 2 बोल दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नो। अगर हम लोग देखो a by b माइनस सी बाई डी करते हैं, ठीक है ना, तो मतलब क्या होगा ध्यान से देखिए, a by b माइनस सी बाई डी मतलब क्या, ये 5 माइनस 2 आया ना, तो 5 माइनस 2 करने से कितना आएगा 3 आएगा। और उसी तरीके से देखो अगर हम लोग उल्टा करते हैं, ये वाला काम करते हैं, इस c माइनस डी माइनस a by b करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए c by d क्या है 2 है ना, और a by b क्या है आपके पास 5, मतलब क्या आप 2 माइनस 5 करेंगे, तो 2 माइनस 5 करेंगे मतलब कितना हो जाएगा माइनस 3। तो देखो ध्यान से देखना, क्या आप बोल सकते हैं कि 3 जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा क्या माइनस 3 के, 3 कभी भी इक्वल होगा माइनस 3 के, नो सर नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, नॉट इक्वल लगा देंगे, वही बात यहाँ पे बोला गया, क्लियर है अब। यस सर। चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी। Thank you.
सर हाँ बोलिए सर, यदि सर दोनों रेशनल नंबर नेगेटिव हो तो? दोनों अगर नेगेटिव हो, चलो दोनों नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं, उसमें क्या, देखो जैसे मान ले एक नंबर ले लेते हैं माइनस फाइव, एक नंबर ले लेते हैं माइनस थ्री, ठीक है, अब तो ठीक है दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना। चलिए अब देखो जरा सा कि माइनस फाइव और माइनस माइनस थ्री, ठीक है ना, और दूसरे तरफ क्या हो जाएगा आपके पास, तो माइनस थ्री माइनस माइनस फाइव, ठीक है। चलिए ये एक साइड वाला, ये दूसरे साइड वाला, यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फाइव, ठीक है ना। तो देखो माइनस फाइव में प्लस थ्री जाएगा मतलब माइनस टू बचेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या है माइनस थ्री में प्लस फाइव जाएगा मतलब क्या प्लस फाइव में से माइनस थ्री जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बचेगा आपके पास प्लस टू बचेगा। तो क्या आप बोल सकते हैं ये इक्वल होता है क्या, इक्वल तो नहीं होता है क्योंकि माइनस टू टू के बराबर नहीं, तो ये नॉट इक्वल। आगे बात समझ में? यस सर। चलिए जल्दी से नोट हो जाएगा तो बताएंगे। हो गया ना सबका? यस सर। चलिए चलो इसको और क्लियर करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, उसको बना के पहले चेक कर लो। चलो यहाँ पे सॉल्व करो, आपके पास a इज इक्वल टू वन बाई टू है और b इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स है। चलिए चेक करिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, चेक करिए। हो गया? यस सर। कितना आया सर? पहले का 4 बाई 12 और दूसरे का माइनस 8 बाई 12। इक्वल आया दोनों? नो सर। तो समझ गया ना कि प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चलो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे। नहीं तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तीसरा देख रहे हैं, तीसरा क्या है हम लोग के पास, एसोसिएटिविटी। देखो हम लोग एडिशन में भी पढ़े थे, एडिशन में भी हम लोग क्या क्या देखे थे आपके पास, कॉम्यूटेटिव देखे थे, क्लोजर देखे थे, एसोसिएटिव देखे थे, ठीक है ना। तो देखिए आप अगर ये तुम्हारे पास क्लोजर देख लिए, ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ, तो कॉम्यूटेटिव अगर नहीं हुआ तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो ध्यान से देखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि द रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना। रैशनल नंबर एसोसिएटिव नहीं होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था ध्यान से देखो, इफ
a by b, c by d, and e by f are rational numbers, then, ठीक है ना, क्या था associative property, ध्यान से देखो, addition वाला पहले दिखा रहा है, क्या था कि a by b plus c by d plus e by f, अगर इसको ऐसे किया जाए, तो ये आपके पास क्या था, आपके पास a by b plus c by d plus e by f के बराबर हो रहा था, यही आपके पास क्या था, associative property of addition था, लेकिन subtraction में ध्यान से देखो क्या होगा, subtraction के लिए अगर हम लोग बात करें, तो आपके पास a by b है ना, minus c by d, ठीक है ना, ये हम लोग देख चुके थे क्या कि a by b minus c by d क्या होता था, आपके पास c by d minus a by b के बराबर नहीं हो रहा था, तो same काम यहाँ पर, बस यहाँ पे क्या करना है, तुमको एक e by f ही तो लगाना है, ठीक है ना, और ये भी बराबर नहीं होगा किसके, तो आपके पास a by b minus c by d है ना, minus e by f के बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसके लिए भी हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, not equal, कि ये condition भी satisfy करता है, मतलब क्या equal नहीं होता है, ये condition satisfy करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बोल रहा है कि equal नहीं होता है, बिल्कुल equal नहीं होता है, तो condition satisfy कर रहा है ना, statement बिल्कुल true है, चलो एक example check कर लेते हैं, example भी देख लेते हैं, example में हम लोग ले लेते हैं, मान लो तीन rational number, तीन rational number कोई भी आप अपने मन से लेकर के check कर सकते हैं, ठीक है ना, तो जैसे देखो numbers ले लेते हैं हम लोग, मान लो जैसे a by b ले लेते हैं 2 by 3, ठीक है, c by d ले लेते हैं कितना, तो आपके पास 3 by 4 है ना, और हम लोग ले लेते हैं क्या, e by f ले लेते हैं कितना, तो 1 by 2, चलिए अब जरा सा इसको चेक करिए, चेक करने के लिए क्या आपको देखिए, पहले इसको सॉल्व करना है, तो 2 by 3 है ना, माइनस c by d, तो c by d कितना है, 3 by 4 है, ठीक है ना, और माइनस आपके पास e by f, 3 by f कितना है, 1 by 2 है, ठीक है ना, और दूसरे में चेक करना है आपको क्या, कि a by b, तो a by b हम लोग के पास 2 by 3 है ना, माइनस है c by d, तो c by d कितना है आपके पास, 3 by 4, और e by f क्या है आपके पास, तो e by f है माइनस 1 by 2, चलिए जल्दी से इसको चेक करिए, अच्छा दिख नहीं रहा, एक वर्ड लगा देना यहाँ पे नॉट के बाद, एक वर्ड लगा देना नॉट ऑलवेज, इसमें भी लगा देना नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर बार एसोसिएटिव हो जाए, कभी कभी एसोसिएटिव हो भी सकता है, हाँ क्या बोले आप, क्या बोले, सर अच्छे से दिख नहीं रहा, अच्छा से दिख नहीं रहा है, यस सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होगा, देखिए ठीक से, अब दिख रहा है क्या, यस सर, ठीक है सॉल्व करिए, तो ये आपके पास हो गया, यस सर, इक्वल नहीं आया, हाँ आ गया, इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं ना आया, सबसे हो गया, जिससे नहीं हुआ होगा देख लेना, देखो 4 और 3 का एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 12 है ना, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा -9 हो जाएगा ना,
और यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस वन बाई टू, ठीक है। देखो एट में से माइनस नाइन मतलब क्या माइनस वन बाई ट्वेल्व और माइनस वन बाई टू, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 12 और 2 है ना, तो 12 और 2 का एलसीएम 12 ही होगा, ठीक है। तो 12 ही एलसीएम होगा, इधर लिखते हैं, इधर आपके पास 12 ही होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 का टेबल में 12 कितना बार में, तो 6 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 6। और यहाँ पे आपके पास नहीं सॉरी यहाँ पर आपके पास माइनस वन रहेगा और यहाँ पे टू का टेबल में 12 कितना बार में 6 बार में, तो हो जाएगा क्या माइनस 6। एक आया होगा कितना माइनस 7 बाई 12 आया था, माइनस 7 बाई 12 आया था ना, yes, sir. और इधर वाला कितना आया था सर 10 बाई 24। देखिए एक इधर आया है ये, चलिए इधर वाला भी आपके पास 2 बाई 3 है माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 बाई 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 में से 2 गया तो कितना हो गया 1 बाई 4। तो 4 और 3 का एलसीएम का बात किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है ना। 12 हो गया और यहाँ कितना हो गया 4 2 जा 8 और यहाँ पे हो गया कितना 3 1 जा 3। 8 बाय आपके पास किसका 10 बाय 12 आया था 5 बाय 12 आ रहा होगा ना, यस सर, यस सर, गलत हो। आप कह सकते हैं कि माइनस 7 बाई 12 क्या है आपका नॉट इक्वल है 5 बाई 12 के, यही ना, क्लियर है सबका, यस सर। ये क्या बताया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का जो है जिसमें बोला गया हो कि ऐसा होता है वो ठीक था, नोट डाउन कर लेना सब कुछ जल्दी से। हो गया यस सर। चलिए ठीक आगे देखते हैं। लो पहले इस पे एक और क्वेश्चन देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। चलिए क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस 8 इफ 1 of the number is minus 15 by 7 find the other। चलिए सॉल्व करिए इसको जल्दी से।
सर माइनस 71 बाय 7 गलत है गलत है कैसे बनाया इसको सर माइनस 41 बाय 7 बिल्कुल सही है सर माइनस 45 बाय 7 माइनस 41 बाय 7 ये सही आंसर है देखो कैसे बनाना था आपको बोला था सम ऑफ टू रैशनल नंबर तो एक रैशनल नंबर को लेट सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन आपके पास लेट टू रैशनल नंबर b a by b and c by d मान लो कि दो रैशनल नंबर a by b और c by d है तो आपके पास एक रैशनल नंबर दे रखा है ठीक है ना मतलब क्या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास a by b plus c by d is equal to जो भी रैशनल नंबर है मान लेते हैं p by q ठीक है ना तो आपके पास देखो एक रैशनल नंबर दे दिया इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना एक नंबर है आपके पास माइनस 15 बाय 7 दूसरा नंबर आपको नहीं पता है c by d आपको पता नहीं है ठीक है ना और p by q भी आपको दे रखा है ठीक है ना इफ द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस 8 तो ठीक है ना इसका सम भी आपको माइनस 8 है दे रखा है ठीक है ना आपको c by d फाइंड करना है तो c by d फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा देखो c by d को इधर रखो और इसको उठा के दूसरे साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस 8 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है ना प्लस हो जाएगा कितना 15 बाय तो अब यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा तो देखो c by d is equal to माइनस क्या हो जाएगा 8 और आपके पास अच्छा देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 1 है ठीक है ना तो आपके पास 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 56 अब देखिए 56 में आप क्या माइनस करेंगे 56 में क्या माइनस करेंगे 15 आंसर क्या आएगा माइनस 41 बाय 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 41 बाय 7 और यही आपका आंसर है ठीक है दिख रहा है ना आंसर यहाँ पे सबको ये दिखाई दे रहा है ना यस सर ठीक है ये माइनस 41 बाय 7 है नोट डाउन करो जिसका गलत हुआ था टेबल को थोड़ा सा रैंडम याद करने का कोशिश करना ठीक है ना जैसे कि 8 5 40 ठीक है ना 9 3 27 ऐसे ऐसे करके रैंडम टेबल कुछ याद करने का कोशिश करना 6 6 36 ऐसे ऐसे करके उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा चलिए हो गया हटा देना इसको नो सर नो सर ठीक है जल्दी करो हो गया यस सर चलिए चलो देखो ये कुछ टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है ना एक क्वेश्चन और देते हैं ठीक है ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है जो आपका पूछा जा सकता है
क्वेश्चन है आपके पास देखिए what number should be added to minus 5/7 to get minus 2/3. जल्दी से सॉल्व करिएगा. रिया ये सॉल्व करना. रिया जल्दी से. रिया 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 सर क्वेश्चन क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा. सर 1/21. हो गया सर 1/21. 1/21 माइनस 1/21 नहीं होगा. क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या ऐड कर दिया जाए 5/7 में. मान लेते हैं क्या कि a by b ऐड कर दिया जा रहा है तो हम लोग को माइनस 2/3 मिल जाएगा. तो बस यहाँ पे a by b है और माइनस 2/3 है. इसको उधर ले जाना तो प्लस 5/7 हो जाएगा. सॉल्व कर देना. बस यही तो था. तो 7 3 21 हो गया. 7 2 14 हो गया. 5 3 15 हो गया. तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 15 में माइनस 14 जाएगा तो 1/20. ठीक है यही था आपके पास. यहाँ पर देखो 21 यहाँ पे 7 2 -14 और यहाँ पे प्लस 15 तो a by b आपके पास आ गया 1/20. यही आंसर था. चलो ठीक है क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं. किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में. नो सर. चलिए वेरी गुड आगे देखते हैं. अब देखो इसका भी एक आइडेंटिटी होता है. ठीक है ना. एग्जिस्टेंस ऑफ लेकिन बोला जाता है क्या एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी. ठीक है ना. आइडेंटिटी इसका भी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ राइट राइट आइडेंटिटी. देखो एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम रैशनल नंबर तो आपके पास क्या होगा किसी नंबर में किसी रैशनल नंबर में अगर हम लोग क्या कर दे कुछ ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कि आपके पास इसमें होगा क्या. ध्यान से देखना. राइट आइडेंटिटी इफ वी सब्ट्रैक्ट. ठीक है ना. ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए. सब्ट्रैक्ट जीरो जीरो फ्रॉम अ रैशनल फॉलोज. मतलब क्या आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी रैशनल नंबर जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है ना. तो आपको क्या होगा. ठीक है. तो जैसे देखो a by b अगर रैशनल नंबर है. ठीक है ना. और इसने क्या कर दिया जाए जीरो को सब्ट्रैक्ट किया जाए. रैशनल नंबर क्या है आपके पास a by b और आप क्या कर रहे हैं जीरो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास a क्या हो जाएगा a by है ना. सॉरी a by b ही होगा. है ना. तो आप क्या बोल सकते हैं देयर पास जीरो इज
the identity by t. आपके पास क्या बोल सकते हैं कि जीरो जो होगा इसका राइट आइडेंटिटी होगा. राइट आइडेंटिटी से मतलब क्या होगा, सीधा समझो इसको, बस एक वर्ड लगा दिया गया राइट आइडेंटिटी. मतलब क्या कि रैशनल नंबर में कुछ ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है ना, और उसका वैल्यू नहीं बदले, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, उसका आइडेंटिटी है. अगर इसमें जीरो प्लस भी कर दिया जाए तो भी ये ए बाई बी रहेगा, या जीरो माइनस भी कर दिया जाए तो ये ए बाई बी ही रहेगा. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये इसका राइट आइडेंटिटी. जल्दी से इसको हो गया सबका. Yes, sir. चलिए अब देखो क्वेश्चन जो आएगा ना, अब आपके पास क्या होगा, इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना. अब जैसे क्या दे सकता है, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन बना देगा जिसमें आपका क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है ना. जैसे कि उस तरीके का कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. जैसे कि देखो आपको क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड थ्री बाई फोर प्लस माइनस 3/5 प्लस माइनस 2/3 प्लस 5/8. जल्दी से इसको बना दो, फिर हमको पता चल जाएगा कि अब तुम लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगा, पूरी तरीके से समझ में आ गया. तो जल्दी से इसको बना दो थोड़ा सा. Thank you.
हो गया सबका? हो गया? दिक्कत हो रहा है क्या? यस सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। आ गया? नो सर। चलो ठीक है, तो देखते हैं। देखो इसके लिए सिंपल कुछ बात बता रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना, एलसीएम निकाल लेना इन सब का, एक ही साथ निकाल लेना। तो देखो एक ही साथ क्या करना है तुमको, 4, 5, 3, 8 और 15 सबका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, एलसीएम निकालने का तरीका भी होता है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर को देखो, उसका फैक्टर देख लो, लेकिन चलो फिलहाल इसी देखते, ऐसे ही देखते। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ही टेबल से कटे 2 से। तो देखो 2 से कितना बार में, 2 बार में 5, 3, 2 से कितना बार में, 4 बार में यहाँ पे 15। फिर देखो किससे जा रहा है, फिर से 2 से, तो 2 1 5 3 2 2 4 15, है ना। अब किससे, तो आपके पास देखिए 3 से, है ना, 1 5 3 1 2 और 3 5 15। अब किससे, तो 5 से, ठीक है ना। तो 1 5 1 2 और यहाँ पे कितना हो गया 5। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, देखो एलसीएम के लिए 2 × 2 × 3 × 5 × 2 × 5 कितना आ रहा है, देखो 2 2 4 4 3 12 12 5 60, है ना। सर माइनस 19/120 आंसर होगा। माइनस 19/120 हाँ ठीक है, चलो देख ही लेते हैं, बना लिए। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 120 एलसीएम। जिनसे नहीं बना था वो लोग देख लीजिएगा, 4 के टेबल में बताओ 120 कितना बार में आता है। तो देखो 4 का टेबल में 12 देख लो कितना बार में, 4 3 12 जीरो लगा दो, मतलब 30 बार में आ जाएगा 4 के टेबल में 120। तो कर दीजिए 3 × क्या कर दीजिए 30, ठीक है ना, प्लस, और यहाँ पे आपके पास -3 × देखो 5 के टेबल में 120 कितना बार में, तो देखो 5 2 10 हो गया और 0 24 बार में देखना आएगा, तो ये 24 है ना। और फिर देखिए प्लस है -2, है ना, इंटू 3 के टेबल में कितना बार में 120, तो देखो 3 के टेबल में 12 देखो कितना बार में, तो 3 के टेबल में 4 बार में 12 जीरो लगा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40, है ना। फिर से आपके पास देखिए 8 के टेबल में, 8 के टेबल में कितना बार में आएगा आपके पास 120, 8 के टेबल में, तो देखो यहाँ पर भी देखते हैं 8 के टेबल में 8 × 2 कितना हो जाता है 16, ज्यादा चला जा रहा है, तो 15 आएगा कितना बार में, 15 बार में, बिल्कुल सही बोला 15 बार में, 8 के टेबल में 15 बार में आ जा रहा है 120, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा कितना बार में, 15 बार में, और इधर आपके पास कितना, 15 के टेबल में 120 कितना बार में, तो 8 बार में, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 × क्या हो जाएगा 8, इसको थोड़ा सा भूलना, यही होगा ना। चलिए आगे सॉल्व कर लीजिए, तो 33 का कितना हो गया 90। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, माइनस होगा 24 × 3 करो, तो 24 × 3 करो 72 कैरी 1 कितना हो जाएगा 3 2 72 आएगा ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 80 -80 होगा, हाँ है ना। यहाँ पे देखिए 15 5 75 75, यहाँ पे 8 4 -32 यही ना। यस भाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 120 होगा ना।
अब चलो प्लस वाला को एक साथ करते हैं, प्लस वाला में क्या है हम लोग के पास 90 प्लस क्या है 75 है ना, और माइनस वाला को एक साथ तो क्या है माइनस 72 माइनस 80 माइनस 32 ठीक है ना, तो बताइए कितना होगा आपके पास। तो यहाँ पर आप देखिए 90 प्लस 70 एक मिनट 184 बिल्कुल सही आपके पास माइनस 184 बाय कितना 120 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 19/120 यही आया है ना। यस सर माइनस 19/120 आंसर देखने तो इसका माइनस 19/120 बिल्कुल सही है सबका आ गया। यस सर यस सर। चलो तो ये हम लोग का क्लियर है। अब हम लोग क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन देखेंगे ठीक है ना। हेडिंग देना मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि मान लो इसमें अगर हम लोग देखें तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, थोड़ा सा इसको रुक जाओ दूर से लिखते हैं ताकि पूरा एक ही लाइन में लिखा जाए। देखो क्या लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर is equal to product of their numerator by product of their denominator। देखो क्या बोला गया कि अगर हम लोग किसी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं ठीक है ना, तो उसका क्या होता है न्यूमरेटर का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। इसलिए समझते हैं कि लेट ए बाय बी एंड सी बाय डी आर टू रैशनल नंबर। देखो मान लेते हैं क्या कि हम लोग के पास ए बाय बी और C by D दो रैशनल नंबर है, तब क्या होगा देन क्या हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ A by B एंड C by D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए C इंटू क्या है आपके पास A इंटू C, तो A इंटू C न्यूमरेटर, देखो ए न्यूमरेटर है सी न्यूमरेटर है, तो ए इंटू सी और बाई में क्या हो जाएगा आपके पास बी इंटू डी। यही आपका क्या बोलता है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर का बोल सकते हैं कि डेफिनेशन है। इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, क्या बोला गया सुन लो फिर से एक बार। बोला गया कि अगर आपको दो रैशनल नंबर दिया है और दो रैशनल नंबर कौन कौन सा है, एक ए बाई बी है और दूसरा सी बाई डी है, तो अगर आप ए बाई बी और सी बाई डी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर का प्रोडक्ट बाई डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। मतलब क्या कि a इंटू बी बाई बी इंटू ए इंटू सी बाई बी इंटू डी। किसी को दिक्कत है पूछो
और नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल भी देख लो इसका। एग्जाम्पल का बात किया जाए तो अगर हम लोग के पास a by b दे दिया है 3/4 एंड c by d दे दिया है आपके पास 5/3, है ना। तो इसका हम लोग अगर करते हैं a by b इंटू c by d करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3/5/4/3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15/12/4/3/12। ये आपके पास आंसर होगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। जय सर, अब क्लास ओवर करेंगे। हाँ सर। हो गया नोट डाउन? यस सर। चलिए देखिए, सुन लीजिएगा ठीक से। हम लोग क्या देखे अभी? अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो देखिए, आपको क्या है, आपका क्वेश्चन जो होगा एडिशन वाला क्वेश्चन बन रहा होगा, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी अब बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन दे देता है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को मिला के दे सकता है, ठीक है ना। तो उस तरीके का भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अभी देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन भी पता है कि अगर इसमें ये ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आएगा, ठीक है ना। उस तरीके का क्वेश्चन होगा, बना लेना। और मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होगा, उसको बनाना, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। इसमें भी वही सब प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या बोलता है वो सबको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अभी किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।